हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कैबेज कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कटलेट बड़े बच्चों सभी को पसंद आती है और देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देखिए खाने में तो बहुत टेस्टी लगेगी ही। इसे आप हरे चटनी या टमाटर सॉस या शाम के नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए उसके लिए बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिए हैं। अब इस बाउल में मैं ये कैबेज को डाल दूँगी। तो ये कैबेज को हमने बारीक काट लिए थे, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, तो उसको हमने बारीक कट कर लिया था धो करके। अब इसमें सारे कैबेज को मैं एक छोटा सा कैबेज था उसमें इसमें डाल देती हूँ कटे हुए को। उसके बाद हमने यहाँ पे बारीक एक बड़ा प्याज काट लिए थे, तो इस बारीक प्याज को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैं प्याज को इसमें डाल दी हूँ, बारीक कटा हुआ था। अब मैं यहाँ पे दो हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो हमने दो हरी मिर्च भी बारीक काट लिए थे। आप चाहें तो जितना तीखा खाते हो उस अनुसार से अपना मिर्ची दीजिए इसमें। तो हमने यहाँ दो हरी मिर्च दिए हैं। अब हम यहाँ पे डालते हैं एक कप बेसन। तो हमने यहाँ पे एक कप बेसन डाल दिए हैं। एक कप बेसन डालने के बाद अब हम यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो हमने यहाँ टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे हल्दी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला। तो हमने यहाँ पे एक चम्मच भर चाट मसाला को डाल दिए हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे गोल मिर्च पाउडर, काली मिर्च। तो हमने यहाँ गोल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं एक चम्मच। अब हम यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू को डालेंगे। तो हमने यहाँ पर बॉयल करके आलू को रख लिए थे। तो हमने दो तीन आलू यहाँ पर बॉयल करके रखे थे। अब इसमें मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं मसल करके। तो हमने आलू को कैबेज और बेसन सबके साथ इसको मसल करके और इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए हमने मसल करके कर लिया है। आपका अगर इस तरह से डो तैयार नहीं हो तो आप इसमें आप पानी का छींटा मार दें, और नहीं तो फिर नमक पानी छोड़ी थी तो इससे हो गई है। पहले आप देख लें कि डालना है या नहीं पानी। तो हमारी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, ये अच्छी तरह से बन गई है। अब हम इसको कटलेट बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको ले लेना है अपने हाथों में छोटी सी लोई, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो इस तरह से मैं सिलेंडर शेप का कटलेट बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी शेप का कटलेट बना सकते हैं, पेड़े आकार का भी। तो मैं यहाँ सिलेंडर शेप का सारे कटलेट को बना के रख ली थी। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं सूजी। तो हमने यहाँ पे सूजी से ये कटलेट को कोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सूजी में इसको कोट कर देना है। सूखी सूजी है उसमें मैं इस तरह से सारे कटलेट को पहले कोट करके रख लेती हूँ। तो हमने सारे कटलेट को कोट करके इसमें रख लिए हैं। अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, उसमें ऑयल मैं डाल दी हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें धीमा कर देंगे गैस को और इसमें सारे कटलेट को मैं डालूँगी। जितना हमारा तेल है उसी अनुसार से इसमें जितना स्पेस है उतना ही कटलेट डालना है। तो हम यहाँ पर इतने कटलेट को साइड करके और एक दो डाल देती हूँ। तो हमने यहाँ पे जितना कटलेट इसमें आया उतने कटलेट को डाल दी हूँ। और इस तरह से हमें दो मिनट छोड़ करके और फिर से पलट करके इसको गोल्डन तक इसको कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी कटलेट गोल्डन हो गई है। अब मैं सारे कटलेट को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा कैबेज कटलेट बन करके पत्ता गोभी वाली कटलेट बन के तैयार हो गई है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।